नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अरुण मल्लिक जी, और आज हम बात करने जुटे हुए हैं नए गठबंधन की। जी हां, जिस प्रकार से बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 26 दलों का महागठबंधन, वहां पे कल मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाना है। इंडिया का मतलब क्या है, डिटेल में क्या है, वो भी हम बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नाम जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है। क्योंकि बीजेपी ने और जो सत्ता पक्ष के एनडीए वाले हैं वो लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि इंडिया नाम आप नहीं रख सकते। एक दूसरा, क्या इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम तो भारतीय हैं, हमें इंडिया से क्या लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटने आई थी और उन्होंने 150-200 साल तक देश पर राज किया, हम लोगों को गुलाम बनाया। क्या उसी मानसिकता के साथ कांग्रेस एक बार फिर से इंडिया के नाम पर देश को गुमराह करके सत्ता अपनाना चाहती है, सत्ता हथियाना चाहती है, क्या मामला है? हाँ तो मल्लिक साहब, आप डिफेंड करें कि आखिर ये इंडिया ही क्यों, भारत क्यों नहीं रखा आप लोगों ने गठबंधन का? देखिए, आप तो घुमाइए मत जी। इंडिया को हिंदी में भारत ही कहा जाता है। नहीं, इंडिया को हिंदी में भारत कहा जाता है, इंग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, पाकिस्तान को हिंदी में क्या कहा जाता है? हमें कंट्री से लेना, हमें अपने दल की बात करनी है। इंडिया को भारत ही हिंदी में भारत ही कहा जाता है। नहीं, क्यों कहा जाता है, किसी और देश का नाम दो क्यों नहीं है? अंग्रेज आया, उसने इंडिया नाम रख दिया। पहले तो इंडिया नहीं था हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत था, आर्यावर्त था। हिंदुस्तान जब मुगल आए, मुसलमान आए, तो उसने हिंदुस्तान रख दिया। तो हम भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं या इंडियन हैं, देखिए आप क्या बनना चाहते हैं? देखिए, हम तो भारतीय तो है ही हैं। जी जी, डिस्कवरी ऑफ कोलंबो भी निकला भारत, डिस्कवरी ऑफ कोलंबो भी थे ना भारत? नहीं नहीं नहीं, डिस्कवरी ऑफ कोलंबो नहीं है वो, भारत जो है ये भारत है। इंडिया, देखिए इसमें आप इंडिया की सुबह घुमाइए, देखिए इसमें है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक मेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये बना है, ठीक है। इसमें यह है कि 9 साल से ये बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया लोगों को, लोग परेशान रहे, महंगाई से परेशान रहे, युवा जितना बिल्कुल लोग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोरोना के बाद सबके नौकरी खत्म हो गए, महंगाई आज 150 रुपए का टमाटर और पता नहीं मिर्ची 200 और 200 रुपए किलो टमाटर है, 400 रुपए किलो अदरक है। तो ये सारी महंगाई है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, 800 रुपए किलो जीरा है, जनता मानती है महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इन चीजों को मुद्दा बना के आप मैदान में आते, आखिर ये इंडिया को मुद्दा बना के पार्टी क्यों मैदान में आ रही है? जिसका जो महागठबंधन का मेन सूत्रधार जिसको माना जा रहा था, नीतीश कुमार गठबंधन को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आज खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इस नाम को लेकर नाराज हैं, तो उनका कहना है कि किसी से डिस्कस नहीं किया गया, एकदम से राहुल गांधी आए और इंडिया नाम दे। देखिए ऐसा है, नीतीश जी ने जो कहा वो दल में शामिल हैं। जी जी, ये तो अखबारों की बातें होंगी, वो हम उस पर नहीं जाते, ना हमने पढ़ा ना हमने देखा है, क्योंकि सभी दलों में उनकी भी भागीदारी रही, सब रहे, बड़े बड़े नेता वहाँ रहे, उन्होंने सब डिसाइड किया। डिसाइड होने के बाद ये नाम निकला है वहाँ से, सबने डिसाइड किया और एक सुर से सबने निकाला नाम, वो हुआ है सबकी रजामंदी से, किसी एक दल की रजामंदी नहीं है, सभी की रजामंदी है, इसीलिए उसका नाम रखा गया इंडिया। क्योंकि 9 साल के शासन में लोग बहुत परेशान हो गए थे। क्या बीजेपी ने आपने जब चुनाव लड़ा था उसने एनडीए क्यों रखा, बीजेपी रखी, क्यों एनडीए रखा? जो लोग देखिए, जो लोग आज इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर एनालिसिस था, पूरे देश के लोगों को डिजास्टर था, बिल्कुल लोगों को स्वर्णनाश कर दिया इस देश का, बेड़ा गर्क कर दे देश का। मैं सीधे लफ्जों में आपको बोलूं कि 9 साल में लोगों को कुछ भी सहूलियत नहीं मिली, सिर्फ जुमलेबाजी मिली। उस जुमलेबाजी को बचाने के लिए, ये महंगाई से लोगों को बचाने के लिए, बेरोजगारी युवाओं को दूर करने के लिए ये अलायंस 26 दलों का जरूरी था। आज ये कहते हैं कि मोदी के नाम पे, कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो मोदी जी को 38 दलों की क्यों जरूरत पड़ गई? 38 दलों में अगर मोदी जी का इतना ही वो है देश में, इतना कह रहे नाम है, तो 38 दलों को लेकर साथ क्यों चल रहे हैं? अकेले लड़ते बीजेपी, अगर उनका सुनिए, अगर उनका इतना ही है रुतबा है कि मोदी जी ने 9 साल में काम किया है, तो 38 दलों को साथ में क्यों जोड़ा? अकेले दल पे अपने लड़ते हैं ना चुनाव, अगर 9 साल काम किया है, कहते नहीं जी हम तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अकेले
अब जो ये बन गया है ना, इस चक्रव्यूह को बीजेपी की वश की बात नहीं, इस चक्रव्यूह को राहुल गांधी जी ये चक्रव्यूह बनाया हमारा 26 दलों का, इसको तोड़ना बीजेपी की वश की बात अब नहीं है, ना ये कर पाएगी, क्योंकि लोग जान चुके हैं इनकी असलियत, इनके जुमलेबाजी, इनके झूठे वादे। आज तक 9 साल में कुछ नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में? 14 के बाद सारी चीज़ें बनी, बिल्कुल आप ये देखिए। लेकिन जो बीजेपी का कहना है, जो सत्ता दल के लोगों का कहना है कि 14 के बाद अगर कुछ नहीं बने तो हम पहले 10वें स्थान के अर्थव्यवस्था में थे, आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अब तक देश को 5वें या 9वें 8वें स्थान पर ला पाई? हमने यहां आकर देश के अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर कर दिया। एक बात सबसे पहले तो ये वो कह रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा है, कांग्रेस के ज़माने से लगभग 2 गुना होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हुआ है। जब आप किसी के डेवलपमेंट, किसी के विकास का, किसी के अमीरी का क्राइटेरिया आप क्या मानेंगे कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर में कितने पैसे हैं? इसी से तो तोला जाएगा कि हम जो है नीरज के पास या अरुण मल्लिक के पास 10 रुपये है तो 10 रुपये का मालिक अरुण मल्लिक है। 2 साल बाद अरुण मल्लिक के पास अगर 20 रुपये हो जाता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अरुण मल्लिक पहले से गरीब हुआ है? वही हाल है कि देश 2014 के पहले 10वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था में, आज 5वें स्थान पर है। तो डेवलपमेंट हुआ है तभी हुआ है ना, कैसे डेवलपमेंट आप कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहाँ है आप मुझे बताइए। मुझे नहीं पता, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया विश्व बैंक ने ये दर्जा दिया है। आज हर आदमी की जेब खाली है, मजदूर की जेब खाली है, युवा की जेब खाली है, जितने रोजगार इन्होंने निस्तराबूत कर दिए, खत्म कर दिए सारे, ये अर्थव्यवस्था होती है। 2 करोड़ लोगों की बात की थी इन्होंने रोजगार देंगे, आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, लोगों के रोजगार खत्म किए हैं, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? ये अर्थव्यवस्था डूब रही है, ये सिर्फ इनके जुमलेबाजी है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। GST आप ये बताइए, कितने GST टैक्स जो ले रहे हैं, ये तानाशाही वाला रवैया है, ये तानाशाही की तरह है GST ले रहे हैं। व्यापारी परेशान है उससे, आम आदमी परेशान है उससे, ज़्यादातर तो व्यापारी है, किस बात का GST ले रहे हो भाई? आप अपने घर पे अगर हम बैंक में जाते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं तो हम अपने पैसे दें, पैसा निकालते हैं अपना तो हम टैक्स दें। ये टैक्स की गवर्नमेंट है, लोगों की जेब से टैक्स लेना चाहती है। लोगों जो अपना कमाता है, आज कमाई कम है, टैक्स ज़्यादा है, कमाई तो हमारी है नहीं। सरकार निचोड़ना चाहती है कि आदमी को हम जितना भी निचोड़ सके निचोड़े, इसलिए आज देखिए रसोई की चीज़ों में, रसोई की चीज़ों में इतनी महंगाई की मार कर दी है कि लोग जो रसोई की चीज़ें, आम आदमी टमाटर क्या होता है, टमाटर बताइए 200 रुपये किलो, टमाटर अदरक 400 रुपये किलो, जीरा 850 रुपये। बिल्कुल, वो तो मैंने भी कहा, सारी देश की जनता जानती है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से लोग त्रस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग परेशान हैं और घर चलाना मुश्किल हो गया है, रोजगार घट गया है, लोगों की नौकरियां चली गई है, जिसे पहले 20,000 या 50,000 तनख्वाह मिलता था, 20,000 वाले आज 10,000 में नौकरी करने को मजबूर हैं, 50,000 वाले 20,000 में नौकरी करने को मजबूर हैं। इसमें कहीं कोई असत्य नहीं है, ये सब हम मानते हैं, जनता मानती है, देश जानता है। सवाल यही है कि कांग्रेस और ये जो महागठबंधन का नाम इंडिया बना है, क्या ये आप लोगों को सत्ता के चाबी तक पहुंचाने में कामयाब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया नाम अच्छा सब लोगों को, इस देश के लोगों को, देश के लोगों को बचाने के लिए, इन फिरकाप्रस्त ताकतों से बचाने के लिए, सांप्रदायिकतावादी ताकतों से बचाने के लिए ये नाम बहुत ही मजबूत नाम है। इंडिया भारत, हमने कोई बाहर का नाम तो नहीं रखा, बिल्कुल बाहर का नाम के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता की चाबी खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए आप तमाम दर्शक मोबाइल न्यूज 24 के साथ। मल्लिक साहब, आप हमारे लिए समय मिला निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया।